हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा और मेरा नाम है केवल जेठी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड रिव्यू के आज के हमारे एपिसोड में एक कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट कॉल के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक ऐसे फंड के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिसने पिछले 10 सालों में कोई भी परफॉर्मेंस बना के नहीं दिया है, और अब अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ से ये फंड आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक पीएसयू फंड के बारे में। पीएसयू फंड में ज्यादातर इन्वेस्टर करंटली निवेश नहीं करना चाहते हैं, पिछला रिटर्न बहुत ही खराब रहा है पीएसयू फंड का। बट करंटली अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे आपको पीएसयू फंड मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ आज के हमारे फंड के पोर्टफोलियो के बारे में भी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, और आने वाले समय के अंदर क्या क्या ग्रोथ के ट्रिगर पीएसयू फंड के लिए बन सकते हैं उसके बारे में भी आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को और चैनल को आप शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे बीएसई पीएसयू इंडेक्स के पिछले 10 सालों का वैल्यूएशन का डेटा निकाला है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2010 में तकरीबन 9000 के लेवल पे ये इंडेक्स चलती थी, और उस समय पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो बीएसई पीएसयू इंडेक्स का था 16 का, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो था तकरीबन 3 का, और डिविडेंड यील्ड रेशियो था तकरीबन 1.48 का। और पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ही बड़ा अंडर वैल्यूएशन इस इंडेक्स का हुआ है, डीवैल्यूएशन हुआ है इंडेक्स का। और करंटली अगर आप देखें तो 9000 का इंडेक्स करंटली 5000 पे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो करंटली बीएससी पीएसयू इंडेक्स का है 8.4 का, प्राइस टू बुक रेशियो तकरीबन 0.77 का है, मतलब ये इंडेक्स अपने बुक वैल्यू से भी नीचे चल रही है, और डिविडेंड यील्ड रेशियो तकरीबन 4.5% का है। तो एक बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड यील्ड इस इंडेक्स का करंटली चल रहा है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये पीएसयू इंडेक्स बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। अगर आपको याद रहेगा तो पिछले साल हमने फार्मा पे सिमिलर कॉल दिया था, उस समय पे कोई इन्वेस्टर फार्मा में निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि पिछले 5-6 सालों का रिटर्न बहुत ही खराब था। उस समय पे फार्मा का पी रेशियो बहुत ही नीचे आ चुका था, और वहां पे हमने फार्मा में आपको निवेश की सलाह दी, और पिछले 1 साल के अंदर फार्मा ने एक बहुत ही बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। और अब यहाँ से बीएसई पीएसयू इंडेक्स और पीएसयू शेयर एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं आज के हमारे फंड के वैल्यूएशन के बारे में, और फ्यूचर में इस फंड के लिए कहाँ कहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्यों पीएसयू फंड में एक अच्छा निवेश का मौका बन रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेक इन इंडिया की जो थीम है उसका फायदा कई सारी पीएसयू कंपनियों को मिल सकता है, जिसमें डिफेंस की कंपनियां हैं, इंजीनियरिंग कंपनियां हैं, और आज के हमारे फंड के पोर्टफोलियो में कई ऐसी बेहतरीन कंपनियां हैं जिसको मेक इन इंडिया का फायदा मिलेगा। और ये मेक इन इंडिया थीम एक बहुत ही बड़ी थीम है और ये कायम रहेगी आने वाले कई सालों के लिए। तो पीएसयू कंपनियों के लिए फ्यूचर में एक अच्छी खासी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बन रही है मेक इन इंडिया के माध्यम से। और जैसे कि हमने देखा वैल्यूएशन के हिसाब से 10 सालों का अंडर परफॉर्मेंस है पीएसयू इंडेक्स का और पीएसयू शेयरों का, और यहां से एक मीन रिवर्जन बनता है इस पूरे के पूरे बास्केट का, और वहां पे भी एक बहुत ही बड़ा बाउंस बैक ये इंडेक्स दिखा सकता है। तो अगर आपको करंट मार्केट में निवेश करना हो और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखना हो तो करंटली पीएसयू इंडेक्स और पीएसयू फंड आपको बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर गवर्नमेंट ने कंटिन्यूअसली ETF के माध्यम से डिस इन्वेस्टमेंट किया है, और इसी कारण कंटिन्यूअसली फ्लो बनता रहा है कई सारी पीएसयू कंपनियों के लिए, और इसी कारण इन कंपनियों का वैल्यूएशन ऊपर नहीं जा पा रहा था। और अब गवर्नमेंट OFS को छोड़ के अब स्ट्रेटेजिक सेल पे आ रही है, गवर्नमेंट अब स्ट्रेटेजिक सेल के माध्यम से डिस इन्वेस्टमेंट करेगी। BPCL कॉनकॉर्ड का डिस इन्वेस्टमेंट आने वाले समय के अंदर स्ट्रेटेजिक सेल के माध्यम से होने वाला है। तो अब यहां से ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट फिर से अपना वही रवैया अपनाएगी जहां पे वो कंटिन्यूअसली OFS के माध्यम से अपना डिस इन्वेस्टमेंट करेगी। तो अब वहां पे अगर सप्लाई नहीं आती है तो धीरे धीरे इन सारी कंपनियों का फिर से री रेटिंग होगा, और वहां पे फिर से एक अच्छी खासी ग्रोथ बन सकती है। और इसके साथ साथ पीएसयू कंपनियां अपने सेगमेंट की कई सारी कंपनियां लीडर कंपनियां हैं, तो उनके लिए एक मोनोपोली टाइप बिजनेस भी बन रहा है, और बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं, तो उसका फायदा भी डेफिनेटली एक पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को मिलेगा। कई सारे इन्वेस्टर सीपीएसई ETF में निवेश करते हैं, सीपीएसई ETF डेफिनेटली बेहतरीन ETF है, बट सीपीएसई ETF एक कॉन्सेंट्रेटेड ETF है। सीपीएसई ETF में सिर्फ 12 शेयर हैं और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है उसके अंदर, जिसके सामने
हमारा जो पीएसयू फंड है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाई फंड है और ये एक एक्टिवली मैनेज फंड है, जिसमें फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कौन से शेयर में कितना अलोकेशन देना है और एक डाइवर्सिफाई बास्केट में ये फंड निवेश करता है। तो सीपीएससी ईटीएफ से बेटर डाइवर्सिफिकेशन ये फंड आपको प्रोवाइड करता है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली इस फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, जिसके सामने अगर आप सीपीएससी ईटीएफ में निवेश करते हैं तो उससे बेटर आपको वैल्यूएशन पे और उसके बेटर आपको डाइवर्सिफिकेशन पे करंटली ये फंड मिल रहा है। अब हम इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कहां कहां फंड मैनेजर ने निवेश किया है। तो एसबीआई भारत की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है, जिसमें 9.7% का अलोकेशन दिया गया है और करंटली अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे चल रही है। एसबीआई की कई सारी सब्सिडियां हैं और वो सारी सब्सिडियां मिलके उनका मार्केट कैप करंटली एसबीआई से भी ज्यादा बन चुका है। एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये कई इनकी सब्सिडी है जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, तो उसका फायदा भी डेफिनेटली एसबीआई को मिलेगा। तो यहां से एसबीआई अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जिसका फायदा इस पोर्टफोलियो को मिलेगा। बीपीसीएल इसका डिस इन्वेस्टमेंट होने वाला है स्ट्रेटेजिक सेल के माध्यम से, तो वहां पे एक बहुत ही बड़ी वैल्यू अनलॉक बन सकती है और इस साल के अंत तक इसका डिस इन्वेस्टमेंट तकरीबन तय हो जाएगा। कौन कंपनी इसको लेगी, कौन सा वैल्यूएशन पे लेगी, वो सब आपको डेटा मिल जाएगा इस साल के अंत तक। तो वहां पे बहुत ही बड़ा वैल्यू अनलॉक बीपीसीएल के लिए बन सकता है और वहां पे इस पोर्टफोलियो में बहुत ही बड़ा फायदा बीपीसीएल दिखा सकता है। गार्डन रिच शिप बिल्डर मेक इन इंडिया का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी है ये शेयर और शिप बिल्डिंग के काम में एक बहुत ही बेहतरीन पीएसयू कंपनी है, जिसमें 6.3% का अलोकेशन दिया गया है। अगली कंपनी है पावर ग्रिड और पावर सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, तो इस कंपनी को भी बेहतरीन फायदा मिलता रहेगा। और एनटीपीसी ये भी पावर जनरेशन के काम में करने वाली मोनोपोली कंपनी है और ये दोनों की दोनों कंपनियां अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनियां हैं, बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी इन कंपनियों का बहुत ही स्टेबल है, तो यहां से धीरे धीरे ये कंपनियां आपको ग्रोथ दिखाएगी और वहां पर स्टेबिलिटी भी ये कंपनियां पोर्टफोलियो में प्रोवाइड कर सकती है। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये एसबीआई की सब्सिडी है, तो इस फंड में पीएसयू कंपनियों की सब्सिडी में भी निवेश किया जा सकता है, जो सीपीएस ईटीएफ में आपको फायदा नहीं मिलता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ही बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और उसमें एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिखा सकती है और इसमें भी 5.5% का अलोकेशन दिया गया है। अगली कंपनी है एचपीसीएल, बेहतरीन अंडर वैल्यू शेयर है, जिसमें 5% का अलोकेशन दिया गया है। ओएनजीसी ये भी एक बहुत ही बेहतरीन डाइवर्सिफाई कंपनी है और यहाँ पे भी 5% का अलोकेशन दिया गया है। कैनफिन होम 4.9% का अलोकेशन। राइस रेलवे के लिए काम करने वाली कंपनी है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, इस पे भी हमने डिटेल में वीडियो कुछ समय पहले बनाया था। और मेक इन इंडिया का ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशरी रहेगा, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा अलोकेशन दिया गया है। न्यू इंडिया अश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस की एक बेहतरीन पीएसयू कंपनी, जिसमें 4% का अलोकेशन दिया गया है। और कॉनकॉर इसमें भी तकरीबन 4% का अलोकेशन दिया गया है और कॉनकॉर का भी आने वाले समय में डिसइन्वेस्टमेंट होगा स्ट्रेटेजिक सेल के माध्यम से, तो वहां पे भी बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक इस पोर्टफोलियो के लिए बन सकती है। अगली कंपनी है आईआरसीटीसी, डेफिनेटली पीएसयू कंपनी है बट एक ग्रोथ कंपनी है, अपने सेगमेंट की लीडर कंपनी है, जिसमें 3.6% का अलोकेशन दिया गया है। पिछले साल ही आईआरसीटीसी लिस्ट हुआ और वहां से बहुत ही बेहतरीन इसने ग्रोथ दिखाई और अभी भी ये शेयर आने वाले समय में सिमिलर टाइप की ग्रोथ दिखा सकता है। कोल इंडिया में 3.5% का लोकेशन दिया गया है। इंजीनियर्स इंडिया ये भी एक बहुत ही बेहतरीन डेट फ्री कंपनी है, स्मॉल साइज की पीएसयू कंपनी है, जिसमें 3.2% का लोकेशन दिया गया है। इंडियन ऑयल में तकरीबन 3% का और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 3% का लोकेशन दिया गया है। पेट्रोनेट एलएनजी में 2.8% का लोकेशन है, नालको में तकरीबन 2.6 और बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.78% का लोकेशन है, ऑल इंडिया में 1.4 और आखिर में पीएनबी में 0.88% का अलोकेशन दिया गया है। तो एक डाइवर्सिफाइड बास्केट में निवेश किया गया है, लार्ज कैप कंपनियां भी है यहाँ पे, मिड कैप कंपनी भी है और स्मॉल कैप कंपनी भी है और अलग अलग सेगमेंट की कंपनियां हैं और बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है। सीपीएससी ईटीएफ के सामने अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये एक अच्छा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, जिसमें बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, गैस के प्लेयर्स भी हैं और इसके अलावा आईआरसीटीसी जैसी कंपनी भी इस पोर्टफोलियो में है, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो है जहां पे आप आने वाले 3 से 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। 22 शेयर हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर
और एवरेज पी रेशियो इस पोर्टफोलियो का 11.6 का है, एवरेज पी बी रेशियो 1.13 का है और टॉप 10 कंपनी में एलोकेशन दिया गया है 62% का। एवरेज मार्केट कैप इस पोर्टफोलियो का 80,000 करोड़ का है, लार्ज कैप में 65, मिड कैप में 5 और स्मॉल कैप में 21% का एलोकेशन दिया गया है। सेक्टर वाइज चर्चा करें तो रिफाइनरी और मार्केटिंग में 17% का है, बैंकिंग सेक्टर में तकरीबन 12, इंश्योरेंस में 9.7, इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 7.8% का और ऑयल एक्सप्लोरेशन में 6.2% का एलोकेशन दिया गया है। तो सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन दिया गया है और फंड का नाम है SBI PSU फंड और एक बहुत ही पुराना फंड है। पिछले 10 सालों में जैसे कि हमने बताया फंड ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, तो अगर आप पिछले सालों का रिटर्न देखेंगे तो आप इस फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। आपको पिछला रिटर्न नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आने वाले समय में क्या पोटेंशियल ये फंड रखता है। सेक्टोरियल फंड है तो डेफिनेटली रिस्क इसमें थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। इनके फंड मैनेजर तकरीबन 26 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, 2010 में ये फंड लॉन्च हुआ था और पिछले 10 सालों में कोई भी रिटर्न इस फंड ने बना के नहीं दिया है, तो ये भी एक बहुत ही बड़े री रेटिंग का कैंडिडेट ऑटोमेटिकली बन जाता है। छोटा AUM है सिर्फ 154 करोड़ का और टोटल एक्सपेंस रेशियो 2.5 का है इसका रेगुलर प्लान का। और अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो आप STP कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से इस मार्केट में एक बहुत ही बेहतरीन सस्ते वैल्यूएशन पे एक बेहतरीन फंड आपको मिल रहा है, जो आपको यहाँ से 3 से 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा रिटर्न बना के दे सकता है। यहाँ से तकरीबन 15% के CAGR से ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल इस फंड के अंदर है आने वाले 5 सालों के लिए। तो अगर आपको इस फंड में निवेश करना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे जाके आप निवेश कर सकते हैं या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कैसे आपको निवेश करना चाहिए, कैसा आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, SIP करनी चाहिए, STP करनी चाहिए, उसके लिए आप हमारे साथ डिस्कस करके भी हमारे साथ निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपको इस फंड में निवेश करना है या किसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करना है अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड के साथ साथ हम सिलेक्टिवली इक्विटी में भी निवेश करवाते हैं और जो हमारा म्यूचुअल फंड स्टॉक का कॉम्बो बनेगा किसी भी सिमिलर डायरेक्ट प्लान से बड़ा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। तो हमारे साथ निवेश करने के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। दोस्तों SBI PSU फंड डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मर फंड रहा है पिछले कई सालों का, बट आने वाले समय में ये फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। इसके बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा, कोई भी आपको सजेस्ट भी नहीं करेगा इस फंड में निवेश करने के लिए, फिर भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ से ये फंड आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अगर आप ये मानते हैं कि इस फंड में पोटेंशियल है और यहाँ से PSU कंपनियां अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इसमें निवेश करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।